कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आगरा घूमने जा रहे हैं, है ना? मैं जा रही हूँ इसको लेके घुमाने के लिए। देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा। रेडी नहीं हो पाए यार, रेडी होते होते पता 12:30 बज गए। सच्ची में जाने में 1:30-2 बज जाएगा, कब पहुंचेंगे कब। और पता है भैया और ये दोनों लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि तुम लोग यहीं पे इतना टाइम लगा दोगी। चलो चलो फटाफट चलते हैं, देखो फिर आ रहे हैं भैया, जल्दी आओ भैया के डर के मारे नींद भगी जा रही है। हाँ मैं तो जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। और ये देखो, ये मैंने साल और स्वेटर ले लिया, ठंडी लगेगी तो पहन लेंगे। बाबू को मैंने पहना दिया, आरू भी गर्म कपड़े नहीं पहनी है लेकिन उसके लिए ले लिया गया है। और ये देखो यहाँ ये भी रेडी होके खड़े हुए हैं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग बताओ? आगरा जा रहे हैं और आज आगरा का ताजमहल देखने। इनको बहुत ज़्यादा वो है आगरा का ताजमहल देखने का, मुझे नहीं है। मुझे तो शॉपिंग करा लो, मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। आज ताजमहल देख ही लेंगे। क्या हुआ? ये देखो आरू भी रेडी हो गई है लेकिन गर्म कपड़े इसने नहीं पहनी है। हाँ ले लिया हम लोगों ने, ये देखो मैंने तो हाथ ही में ले रखा। आ जाओ जल्दी, कहाँ जा रही हो? अभी अभी आ रहे हैं वो। क्या हुआ दी? क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? मोबाइल कहीं रख के भूल गई। अरे अभी तो रखा था आपने, अभी भी वो, वो 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 ये रखा, वो रखा स्कूटी पे रखा हुआ है। हाँ हाँ बंद है, ये सो के आए ना अभी आकर। हाँ यार ये तो है, मैं देख के आऊँ। बंद है दी, चलो बंद करके आए। चलो आओ चले, ये तो बंद नहीं करना। मैं ना बाबा आ जाओ, आराम से जाओ, जल्दी नहीं जाओ, भीड़ बब्बर ज्यादा है। वो तो है यार, बहुत ज्यादा भीड़ बब्बर है। तुम चलो यार, हमें जाने। हाँ आज क्योंकि वो है ना त्योहार है, ऐसा कभी अच्छा नहीं लगा। कहीं मैं गई हूँ ना, इतना कंफर्टेबल मैं कहीं नहीं रही हूँ। तो बोलते थे ना उनके वहाँ पे ताने थे, फिरोजाबाद में थे, बड़ा मजा आया। नहीं तो वो तो यार अपना घर हो गया ना। अरे मेन जहाँ जाना है पहले वहाँ चल लेते, ताजमहल चलते, नहीं तो बंद हो जाएगा। ये भी बंद हो जाता है। कल हम लोग यहीं तो उतरे थे, तो हम आ चुके हैं फाइनली आगरा का ताजमहल देखने के लिए। और यहाँ हमको लग नहीं रहा कि हम देख पाएंगे क्योंकि आप सब देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है दिवाली में छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग तो डर गए भीड़ देख के। पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ थी वो बहुत सारी खड़ी थी। ताजमहल है किधर, दिखाई भी तो मुझे पीछे देखो गाड़ियों की भीड़। और इधर देखो अभी तो ये पार्किंग एरिया है, तब ये हाल है। आगे देखते क्या हाल था, यहाँ की वीडियो क्यों बनाई, वहाँ की बनाती। वो देखो कम से कम 4 किलोमीटर पे गाड़ियाँ पार्क होके रखी है। बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है, हद से ज्यादा भीड़ है। अभी अंदर क्या होगा पता नहीं है, जाने से डर लग रहा है। हाय, लाइन देखो कितनी बड़ी है। ये देखो तुम जिंदगी भर याद रखोगे दोनों की आगरा आए थे। हाँ कितने पीछे लगे हुए, ये देखो ये
भी एक अच्छी पल है। सही बात है, जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले, मैं इसको वो कर रही हूँ। दोबारा ताजमहल देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो देख लो। ए मोलू आ गया क्या? नहीं बेटा, उसकी मम्मी है लेकिन चल, मंदिर में इतनी लंबी लाइन है। देखो भीड़ भाई, भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। चले चलो चले, एक्साइटमेंट कुछ बढ़ी है, घटी? घट गई यार, बढ़ना तो सवाल ही नहीं है। देखो भाई भीड़ देखो, ये है आगरा का ताजमहल। लोग ताजमहल कम, लोगों का पिटारा ज्यादा है। और 250 रुपए टिकट ऊपर की, 60 रुपए टिकट नीचे की, उल्लू बनाया जा रहा है ताजमहल के नाम पे। तो गाइज अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पॉसिबल ही नहीं था अंदर जाना। हम लोगों ने टिकट लेकर और अपनी जो टिकट है वो दूसरों को दे दी और हम लोग अब घर जा रहे हैं। लेकिन बीच में ना अभी हम लोग लाल किला, जो आगरा फोर्ट का लाल किला है, वो देखेंगे। हम लोग आइसक्रीम ले लिया, तूने हंस गए हम लोग बहुत बुरी तरह से यार। ये इनके संग हुआ, आगे और बंदर है। तो अभी हम आ चुके हैं आगरा के लाल किला में और कुछ इस तरह से दिखता है आगरा का लाल किला। और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे भी आप भीड़ देख सकते हो। लेकिन हम लोगों ने इस भीड़ का सामना किया और अंदर जाके हमने पूरा देखा। अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और यहाँ ना हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई और यहाँ अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना कंफर्टेबल होके हम लोग सब जगह घूम रहे थे। और वहाँ तो आप सभी ने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 3 किलोमीटर या मुझे लग रहा ज़्यादा ही लंबी लाइन थी, तो अंदर जाना तो पॉसिबल भी नहीं था। और शाम हो चुकी थी, हम लोग घर से ही लेट निकले थे तो टाइम भी नहीं था, क्योंकि वो आगरा का जो ताजमहल है वो शायद बहुत जल्दी बंद हो जाता है। टाइमिंग का मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि 6:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा। पता नहीं, क्योंकि हम अंदर गए नहीं तो हमें बता नहीं सकती। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और हम लोग बातें करते करते, मस्ती करते करते जा रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी हमने और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ जाके बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। तो यहाँ आके ना थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा लगा और हम लोगों ने पूरा लाल किला देखा। और लाल किले से ना आगरा का ताजमहल बहुत पास दिखता है, लेकिन आज ना यहाँ से भी ताजमहल बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, क्योंकि बहुत धुंध थी इस वजह से। नहीं तो हम लोग यहाँ से भी शूट करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ से भी पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए बस लाल किला घूमा, हम लोगों ने बाहर खाना खाया और उसके बाद हम घर चले गए। तो यहाँ बच्चे बहुत खुश थे, हमसे ज़्यादा बच्चों को अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से आज का पूरा दिन हमारा कटा और अच्छा भी लगा। और एक चीज़ बुरी लगी कि हमारे साथ साथ ना आगरा के ताजमहल में दीदी और भैया दोनों लोग भी परेशान हुए, लेकिन उन लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। मुझे लगता है कि उनकी जगह ना कोई और होता तो शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। शायद हमारे अपने भी होते ना तो वो भी परेशान हो जाते और कहते कि चलो अब चुपचाप घर। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के बावजूद, ताजमहल में इतना परेशान होने के बावजूद हम लोगों को यहाँ लेके आए, हम लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई। आज की डेट में कोई किसी के लिए नहीं करता, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अपनापन शायद ही कोई देगा। अभी सबकी लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है और सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। और उसके बावजूद भैया ने, दीदी ने हमारे लिए टाइम निकाला। भैया अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमको लेकर आए, अपना टाइम दिया। ये कोई नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग हर चीज़ का हिसाब लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मुझे जो प्यार यहाँ मिला है ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी ऐसा प्यार मिला है। मतलब इतना अपनापन मुझे नहीं लगता कि कोई भी दे सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, और लगा कि हाँ आज भी
मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस इतना कहूंगी कि दीदी और भैया हमेशा खुश रहें, इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये आगरा का सदर मार्केट है, यहाँ पे एक जगह मोमोज बहुत फेमस हैं, तो वहाँ हम लोग मोमोज खाएंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को इन कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय बाय।